नमस्ते आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंग्स डीलर एप्लीकेशन के सहायता से ट्रेडिंग कैसे करें उसके लिए पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है फिर वहाँ पर ट्रेड विंग्स शॉट सोल्यूशन टाइप करना है फिर वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर विंग्स डीलर पर क्लिक करना है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा फिर उसको इंस्टॉल करना है अभी आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए फिर इंस्टॉल पे क्लिक करना है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी इंस्टॉलेशन होने के बाद फिनिश पे क्लिक करना है आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है और उसका आइकॉन डेस्कटॉप पे आ जाएगा उस पर डबल क्लिक करके ओपन करना है यहाँ पर आपको यूज़र आईडी टाइप करना है उसके बाद पासवर्ड टाइप करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है उसके बाद आपको डिजिट पिन टाइप करनी है एंड ओके पे क्लिक करना है फिर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा आपको सामने स्क्रीन पर दो बॉक्सेस दिखेंगे जो ब्लैक पोर्शन है वो वॉचलिस्ट है जहाँ पर आपको आपकी एडेड स्क्रिप्ट दिख जाएगी और जो वाइट पोर्शन है वो कंफर्मेशन बॉक्स है जहाँ पर आपको ऑर्डर स्टेटस दिखेगा कि ऑर्डर कंप्लीट हुई है या पेंडिंग है या रिजेक्ट हो गई है आप मेन्यू से व्यूज़ पे क्लिक करके थीम चूज़ कर सकते हैं लाइट थीम या डार्क थीम जो थीम पसंद है वो सिलेक्ट कर लीजिए अब हम देखेंगे कि स्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं उसके लिए पहले आपको फर्स्ट कॉलम में एम सी एक्स सेलेक्ट करना है फिर नॉर्मल चूज़ करना है फिर आपको चार ऑप्शंस मिलेंगे फ्यूचर कमोडिटीज़ फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन कमोडिटीज़ यहाँ पर आपको फ्यूचर कमोडिटी सिलेक्ट करना है इसके बाद कमोडिटी सिलेक्ट करनी है जो भी बाय और सेल करनी है यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर हम गोल्ड पेटल सिलेक्ट करेंगे फिर एक्सपायरी डेट चूज कर लेंगे एंड सिंपली एड बटन पर क्लिक करिए या एंटर बटन प्रेस करिए आपकी स्क्रिप्ट ऐड हो जाएगी ऐसे ही आप मल्टीपल स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं हम एक और स्क्रिप्ट ऐड करेंगे अब हम कमोडिटी सेलेक्ट करेंगे सिल्वर मिक उसकी एक्सपायरी डेट चूज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे आपकी स्क्रिप्ट ऐड हो गई अब यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जैसे कि बिड प्राइस आस्क प्राइस, लो सर्किट हाई सर्किट लास्ट एड प्राइस। यदि आपको और ऑप्शंस ऐड करने हैं तो किसी भी ऑप्शन पे जाके क्लिक कीजिए और चूज़ कॉलम पर क्लिक करिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे उसमें से आपको जो चाहिए वो ऑप्शन सिलेक्ट करिए वो ऑप्शन वहाँ पर ऐड हो जाएगा अब कमोडिटी को बाय या सेल कैसे करते हैं ये देखेंगे उसके लिए पहले कमोडिटी सिलेक्ट कर लीजिए आप कीबोर्ड के अपवर्ड डाउनवर्ड आर से भी कमोडिटी चूज़ कर सकते हैं यदि आपने प्लस बटन प्रेस किया तो बाय विंडो ओपन हो जाएगी और माइनस बटन प्रेस किया तो सेल विंडो ओपन हो जाएगी इसके लिए शॉर्टकट कीज़ भी है एफ एन प्रेस करेंगे तो बाय विंडो ओपन हो जाएगी और एफ़ टू प्रेस करेंगे तो सेल विंडो ओपन हो जाएगी टैप बटन प्रेस करके आप ऐसे फॉरवर्ड जा सकते हैं एंड शिफ्ट टैप प्रेस करके बैकवर्ड जा सकते हैं अब बाय करने के लिए ऑर्डर टाइप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर चार ऑर्डर टाइप है लिमिट मार्केट स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट हम लिमिट सिलेक्ट करेंगे एंड प्राइस एंटर करेंगे फिर आपको जिस क्लाइंट के लिए आप ट्रेड कर रहे हैं उसका क्लाइंट कोड टाइप करना है एंड सबमिट पे क्लिक करना है ऐसे ही सेम हमें सेल के लिए भी करना है पहले कमोडिटी सेलेक्ट कर लीजिए फिर F2 प्रेस करिए सेल विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर भी चार ऑर्डर टाइप है लिमिट मार्केट स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम स्टॉप लॉस मार्केट सेलेक्ट करेंगे फिर ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे फिर जो क्लाइंट कोड है वो एंटर करके सबमिट पे क्लिक करेंगे अब हमें ये सब ऑर्डर्स व्यू करने हैं उसके लिए हमको ऑर्डर बुक ओपन करना होगा उसके लिए F3 प्रेस करिए या मेन्यू से ऑर्डर्स पे क्लिक करके ऑर्डर बुक सेलेक्ट करिए ऑर्डर बुक ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको ऊपर के सेक्शन में पेंडिंग ऑर्डर दिख जाएंगी एंड नीचे के सेक्शन में कंप्लीटेड ऑर्डर्स दिख जाएंगे उसके नीचे आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे मॉडिफाई कैंसिल कैंसिल ऑल जिस पर क्लिक करके आप पेंडिंग ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं या आपको सब पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल करने हैं तो कैंसिल ऑल पे क्लिक करिए मेन वॉच लिस्ट पे वापस आने के लिए F4 प्रेस कर सकते हैं आपको जो वाइट बॉक्स है उसमें आपको ऑर्डर स्टेटस दिख जाएगा कि आपके ऑर्डर पेंडिंग है कंप्लीट हुई है या रिजेक्ट हुई है रिजेक्ट क्यों हुई है इसका भी रीज़न उधर डिस्प्ले होता है अब हम पोजीशंस का ऑप्शन देखेंगे उसके लिए अल्ट प्लस एफ सिक्स प्रेस करिए या मेन्यू से पोजीशन सिलेक्ट करिए यहाँ पर आपको नेट बाय क्वांटिटी, नेट सेल क्वांटिटी एमटीएम प्रॉफिट सब दिख जाएगा यहाँ पर नीचे दो ऑप्शंस मिलेंगे स्क्वायर ऑफ़ एंड कन्वर्ट पोजिशंस कन्वर्ट पोजिशंस पे क्लिक किया तो जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है वो नॉर्मल से एम आई एस में कन्वर्ट हो जाएगा या एम आई एस से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वार ऑफ पे क्लिक करेंगे तो जो भी कमोडिटी बाय करने के लिए सिलेक्ट की है वो सेल हो जाएगी एंड सेल करने के लिए सिलेक्ट की है वो बाय हो जाएगी मीन्स अब डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ से बाय को सेल कर सकते हैं सेल को बाय कर सकते हैं मतलब जो भी कमोडिटी है वो उसको इसके बाद हम होल्डिंग्स का ऑप्शन देखेंगे उसके लिए आपको अल्ट प्लस एफ नाइन प्रेस करना है या मैंने उसे सिलेक्ट कर सकते हैं होल्डिंग्स ऑप्शन में आपको जो भी आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है जैसे कि स्टॉक्स बॉन्ड्स शेयर्स ये सब इधर डिस्प्ले हो जाएगी अब लास्ट में हम देखेंगे ट्रेड बुक उसके लिए एफ प्रेस करिए या मेन्यू सेलेक्ट करिए ट्रेडबुक में आपने दिन भर जितना भी ट्रेड किया है वो सब डिस्प्ले हो जाएगा कितनी कमोडिटीज़ बाई की है या सेल की है उसकी सब डिटेल्स आपको ट्रेडबुक में मिल जाएगी इस प्रकार से आप विंग्स डीलर एप्लीकेशन का यूज़ करके वेरियस ऑप्शंस चूज करके शॉर्टकट कीज़ यूज़ करके ईजीली मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद